पलवल में नियम 134A के तहत स्कूलों में बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते अभिभावक परेशान है और लगभग महीने भर से स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने भी गुहार लगाई, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। स्कूल संचालकों ने सरकार के नियम 134A को मानने से साफ इनकार कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी सुखबीर तनवर ने बताया कि जो स्कूल संचालक सरकार के नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कैटेगरी में जिन पेरेंट्स की आमदनी 2 लाख तक दी हुई उसमें आते हैं। हमारे निदेशक शिक्षा महोदय ने अभी 20 तारीख को एक लेटर निकाला है जिसमें इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन की क्लियर वेरिफिकेशन की गई है, उसमें जिसमें लिखा गया है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनकी आमदनी 2 लाख तक है तो प्राइवेट स्कूलों को दोनों दाखिले करने चाहिए और करने पड़ेंगे गवर्नमेंट की हिदायत अनुसार। जो स्कूल दाखिला नहीं कर रहे हैं वो पेरेंट्स यहाँ पर आकर के शिकायत कर रहे हैं। हम उनकी शिकायत के लिए भेज करके अपने उच्च अधिकारी को लिख रहे हैं उनकी शिकायत के बारे में। उसके बाद हमारे उच्च अधिकारी जो कार्य लेंगे वो उनके सक्षम जो भी उनके पास होगा वो कार्रवाई करेंगे। अब तक तो जिन्होंने दाखिला दे दिए हैं, लगभग SNT दाखिला दे रहा है, टैगोर दाखिला दे रहा है, ग्रीन बैंक दाखिला दे रहा है, ऑक्सफोर्ड दाखिला दे रहा है और BPL में तो सभी दे रहे हैं। कुछ आनाकारी जो कर रहे हैं EWS में कर रहे हैं। बाकी 5-7 स्कूल ऐसे हैं जो उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दाखिला नहीं दे रहे हैं, जैसे बुलाया है, निशांत है, धर्म पब्लिक स्कूल है, विजम वैली वेसल्स है। ये 3-5-6 स्कूल ऐसे हैं जो दाखिला नहीं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने के लिए नियम 134A लागू किया। शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134A के तहत जिले के विभिन्न निजी स्कूलों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूल अलॉटमेंट की पहली सूची जारी की गई। शिक्षा विभाग द्वारा पहली सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को समय पर दाखिला देने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन पलवल जिला के निशांत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों का दाखिला नहीं किया जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि निशांत स्कूल में बच्चों का दाखिला कराने के लिए महीने भर से चक्कर काट रहे हैं। स्कूल संचालक नियम 134A को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। कारण है जी, मेरे बच्चे का नाम 134A के तहत आया है, लेकिन हम इधर कई दिनों से चक्कर काट चुके हैं, ये ले ही नहीं रहे सर। ये कह रहे हैं कि BPL लाओ, हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट है। करेंगे जी, हमने करी भी है और हम फिर करेंगे दोबारा शिकायत, क्योंकि ये कल चंडीगढ़ से ऑर्डर आए हैं कि इनकम सर्टिफिकेट चलेंगे, अब इसकी वजह से भी लेंगे, पर ये ले ही नहीं रहे बच्चों को। ये कह रहे हैं कि BPL कार्ड लेके आइए, अगर ऐसा BPL का इश्यू था तो उनको पहले कहना चाहिए था, ये फॉर्म भरने से पहले बताना चाहिए था कि BPL कार्ड इसमें चाहिए होगा। 1.5 महीना हो गया, बच्चों के एग्जाम हो गए, सब कुछ क्लियर कर लिया बच्चों ने, उसके बाद अब ये लास्ट में ऑप्शन कह रहे हैं चक्कर कार्ड कट सकते हैं। हम यही कह रहे हैं कि भाई आप वो करिए, हमारे DO साहब से भी बात हुई है कल, वो भी यही कह रहे हैं कि हम क्या करें और आगे हमने करिए। आगे फर्दर आपकी क्या वो रहेगी, आप क्या करेंगे? आप आगे जाएंगे DO जी से बात करेंगे, DO साहब से वो क्या कहते हैं, पहले भी कई बार कर चुके हैं हम लोग, आप जाते हैं। उन्होंने बोला हम लेंगे नहीं बच्चों को EWS के, EWS और BPL को कोई भी लेंगे। और उन्होंने ये मैंने उन्हें बोला कि CM सर ने जो आदेश दिए हैं वो तो यूँ कह रहे हैं, उन्हें क्या पता वो तो ऐसे ही निकाल देते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। किसने बोला ये वाली बात? निशांत सर ने बोला। क्या बोला उन्हें, दोहराइए एक बार फिर से। इन्होंने ये बोला था कि कल जो मैंने बोला कि कल ऑर्डर जो निकाले हैं CM सर के, इन्हें वो ये कह रहे थे उन्हें कुछ भी नहीं पता। यहाँ हम निशांत स्कूल में आए हैं, जो हमारे बच्चों के स्कूल अलॉट हुए थे तो उनके एडमिशन के रिगार्डिंग हम स्कूल में आए हैं। हम सर 1 तारीख से बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पर हमें गुमराह किया जा रहा है। किस तरीके से निशांत स्कूल के जो सर हैं, निशांत सर, वो पुराना अबिटमेंट दिखा रहे हैं, एक जो कि मान्य नहीं है। जो कि उस पहले क्या था कि BPL वालों का था, उसमें उसके बाद एक रेट लगी और रेट में क्या हुआ कि जो 120 यानी 1,20,000 थे जो इनकम थी वो वहाँ तक था, पर उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट आई जो 2014 में आई, उसमें क्या हुआ कि जो 2 लाख या 2 लाख से कम है उनके बच्चे अंडर वीकर सेक्शन के तहत दाखिला होगा उनका। जो लास्ट ईयर भी हुआ था उससे लास्ट ईयर भी हुआ था, मैंने खुद ने कराया है, ठीक सर। अब हम आ रहे हैं तो वो ये पुराने वाला दिखा रहे हैं कि ये उस वाले में BPL का था, परंतु उसके बाद अबिटमेंट हो चुकी है। हम बार बार अभी मेरी DWO साहब से हुई है बात, वो बार बार कह रहे हैं कि
हम एडमिशन देना पड़ेगा या मान्यता रद्द कर देंगे। यानी कि आज आप क्या करेंगे सर? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रिट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार में है, क्योंकि ये वो अधिकार है जैसे हमें रोटी खाने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, ऐसी हमें पढ़ने का अधिकार है। स्कूल के संचालक निशांत कुमार ने कहा कि सरकार ने नियम बनाया है, उसे वो अकेले नहीं मानेंगे। हम कोर्ट को मानते हैं, संविधान सबको मानते हैं, मगर वो सबको मानना चाहिए ना, खाली हम ही क्यों माने? आप भी मानिए, सरकार भी माने।